नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब पंचायत वार होगी श्रमिकों की मैपिंग। परिवहन निगम की बसों के कारण वित्तीय स्थिति में सुधार होने की कही गई बात। पटना IIT ने प्लेसमेंट के मामले में बनाया नया रिकॉर्ड। अब इन राज्यों से आने वाले को लाना होगा RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को लेकर बिहार में हुई अहम बैठक। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। MCL में 70 चिकित्सा अधिकारी के पद पर मांगे गए आवेदन। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 70,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा। MCL के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक उप कंपनी है जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता आरक्षण आवेदन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए www.mahanandikol.in या फिर रिक्रूटमेंट या www.kolindia.in के करियर सेक्शन पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का जारी किया आदेश। कोरोना का ग्राफ देश भर में बढ़ने लगा है, वहीं मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगले महीने यानी कि 4 मई से शुरू होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जिसके बाद अगर 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया तो सरकार अपनी तरफ से छात्रों को 15 दिन पहले ही जानकारी साझा कर देगी। हालांकि 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी भी या नहीं, इसका फैसला अब 1 जून को लिया जाएगा, जिसके बाद अब 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, इसका फैसला अभी शिक्षा विभाग जारी करेगी। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में और जानते हैं, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। वेन सोंग, जो कि चीनी यात्री था, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी स्थल का दौरा किया था। बिहार में डरा रहे हैं कोरोना के नए मामले। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4,786 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 23,724 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 33, अरवल में 48, औरंगाबाद में 122, बांका में 32, बेगूसराय में 105, भागलपुर में 334, भोजपुर में 166, बक्सर में 97, दरभंगा में 24, गया में 334, गोपालगंज में 105, ईस्ट चंपारण में 92, जमुई में 21, जहानाबाद में 128, कैमूर में 20, कटिहार में 107, खगड़िया में 26, किशनगंज में 32, लखीसराय में 44, मधेपुरा में 47, मधुबनी में 47, मुंगेर में 97, मुजफ्फरपुर में 242, नालंदा में 29, नवादा में 44, पटना में 1483, पूर्णिया में 98, रोहतास में 69, सहरसा में 103, समस्तीपुर में 112, सारण में 117, शेखपुरा में 40, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 60, सिवान में 88, सुपौल में 47, वैशाली में 57, वेस्ट चंपारण में 97 मामलों की पुष्टि हुई है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,189 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,69,795 पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग की बैठक में ईवीएम को लेकर कंपनी ने खींचे पांव। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारी जोर शोर से हो रही है। हालांकि ईवीएम के मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में मामला फंसा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस बैठक के दौरान ही ईवीएम बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष बिहार पंचायत चुनाव में मशीन देने की असमर्थता जताई। कंपनी की तरफ से मशीन में लगने वाले कई तरह के टेक्निकल पार्ट्स कोरोना महामारी के कारण उपलब्ध नहीं होने की बात कही है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि गुरुवार को फिर भारत निर्वाचन आयोग के साथ अनौपचारिक बैठक होगी, जिसके बाद ईवीएम के मुद्दे को लेकर कई और निर्णय सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच गांव और शहरी इलाकों में साबुन और मास्क का होगा वितरण। बिहार में कोरोना की स्थिति डराने वाली हो रही है। हर दिन आ रहे मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार भी अलर्ट मोड में काम कर रही है। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए अब सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए सभी शहरी और गांव इलाकों में साबुन और मास्क के वितरण का ऐलान किया है। गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक DMSP को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मास्क और साबुन का वितरण कराने को कहा गया है। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक
यह जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है। गृह विभाग ने कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच लोगों को जागरूक करने की नसीहत दी है। परिवहन निगम की बसों के कारण वित्तीय स्थिति में सुधार होने की कही गई बात। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वर्तमान समय में काफी विकास कर रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की हालत काफी खराब थी। जानकारों की माने तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अच्छे दिन बिहार सरकार के रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के कारण आए हैं और देखते ही देखते परिवहन निगम के अच्छे दिन लौट आए हैं। इसी बाबत बिहार परिवहन निगम के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ साथ निगम की बसों की संख्या बढ़ाई गई है, नई बसें खरीदी गई हैं। पथ परिवहन निगम की बसों का किराया 2 साल पहले बढ़ाया गया था। एक बार फिर से डीजल की बढ़ती कीमत और कॉस्ट में बढ़ोतरी को देखते हुए इस पर विचार चल रहा है। पटना आईआईटी ने प्लेसमेंट के मामले में बनाया नया रिकॉर्ड। पटना आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों ने अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसके तहत पटना से सटे भेटा के अमहरा स्थित पटना आईआईटी कैंपस के छात्रों ने इस बार जॉब प्लेसमेंट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के छात्रों ने पिछले साल की अपेक्षा 10% बेहतर रिजल्ट लाया है और उन्हें प्लेसमेंट में 10% ज्यादा जगह मिली है। आलम यह है कि एक छात्र को लगभग 52.50 लाख का पैकेज मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना आईआईटी में कुल 109 कंपनियों ने इस बार लिया था, जिसमें इस साल 45 नई कंपनियों ने छात्रों का चयन किया है। इस बाबत जॉब प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर कृपा शंकर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश प्रभावित है, इसके बावजूद भी आईआईटी के छात्रों ने जॉब प्लेसमेंट में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब पंचायतवार होगी श्रमिकों की मैपिंग। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार के बाहर रह रहे श्रमिकों ने बिहार आना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब ऐसे श्रमिकों की मैपिंग को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत बाहर से आने वाले बाहरी कामगारों की पंचायतवार मैपिंग कराई जाएगी ताकि उनकी कार्यकुशलता का पता लगाया जा सके। अकुशल लोगों के लिए मनरेगा के जरिए काम की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कुशल लोगों को उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाहर रह रहे प्रवासियों के मन में इस बात की आशंका है कि अगर से लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं उन्हें पैदल ना घर वापस आना पड़े। यही कारण है कि श्रमिकों ने वापस अपने राज्यों की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। अब स्विगी की मदद से आप पटना के चौक चौराहे पर बिकने वाले खाने का उठा सकेंगे मजा। लेकिन आपको गली नुक्कड़ पर मिलने वाले खाने के लिए घर से निकलकर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आप आसानी से घर बैठे बैठे ही स्ट्रीट वेंडर के पास मिलने वाले खाने को मंगवा सकते हैं। पहले चरण में पटना के 50 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप स्विगी से जोड़ा गया है। कई स्ट्रीट वेंडर फूड डिलीवरी शुरू भी कर चुके हैं। स्विगी के बाद दूसरे चरण में इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड ऐप जोमैटो से जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी से हाथ मिलाया है। कांग्रेस के बाद अब नीतीश कैबिनेट में भी पहुंचा कोरोना। कांग्रेस के बाद अब नीतीश कैबिनेट में भी कोरोना ने अपना कदम रख दिया है, जिसके तहत ही नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन सहनी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर में ही आइसोलेट है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री मदन सहनी ने पिछले दिनों अपनी तबियत बिगड़ने के बाद कोरोना जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मंत्री आइसोलेशन में चले गए। फिलहाल वो अपने सरकारी आवास पर रह रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में है। राज्य में बड़े स्तर पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल विद्यापति चौधरी भी संक्रमित पाए गए हैं। गया के फल्गु नदी पर अब दिखेगा लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश के बाद अब बिहार के गया जिले के 65 करोड़ की लागत खर्च करके लक्ष्मण झूला बनाने की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब गया जिले के विष्णुपद मंदिर से देवघाट के सीताकुंड के बीच लक्ष्मण झूला बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिसका काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद तीर्थयात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि यह लक्ष्मण झूला देवघाट से लेकर सीताकुंड पिंड वेद तक फल्गु नदी में बनाई जाएगी। इसके बन जाने से 3 किलोमीटर की दूरी तक और 1 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी और तीर्थयात्री आराम से देवघाट से सीताकुंड जा सकेंगे। गैर रैयत किसानों के अनाज बेचने की सीमा में सरकार ने दी राहत। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के गैर रैयत किसानों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दलहन बेचने के लिए गैर रैयत किसानों को कुछ राहत दी गई है। वे अधिकतम 15 क्विंटल चना और मसूर दोनों बेच सकेंगे। वो चना और मसूर भी अलग अलग बेचना चाहे तो वो इससे अधिक नहीं बेच सकेंगे। हालांकि खाद्य विभाग ने शर्त लगा दी है कि गैर रैयत किसानों को स्वघोषणा पत्र पर वार्ड सदस्य से सत्यापन कराना होगा। यही नहीं, उन्हें नेफेड के पोर्टल पर अपना पंजीयन भी कराना होगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदारी करने का निर्णय लिया है।
अब इन राज्यों से आने वालों को लाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की स्थिति जिस तरह से खराब हो रही है उसे एक बात तो तय है कि स्थिति दोबारा से नियंत्रित होने में काफी समय लगेगा। हालांकि इन सबके बीच यात्रियों को लेकर बिहार सरकार ने एयरपोर्ट निदेशक को खास चिट्ठी लिखी है, जिसके तहत पटना जिलाधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा और तभी उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाए। पटना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 7 अप्रैल की उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया गया था कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से यात्रा कर पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए मुंबई से शुरू हुई कई विशेष ट्रेन तो कई ट्रेनों के परिचालन का हुआ विस्तार। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंबई से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया। इतना ही नहीं, कई ट्रेनों के परिचालन का विस्तार भी कर दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी ट्रेनों को आरक्षण के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही इन ट्रेनों में सफर करने के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत भी दी गई है, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दानापुर स्पेशल सोलापुर गुवाहाटी, सोलापुर स्पेशल ट्रेन पुणे भागलपुर, पुणे स्पेशल पुणे दानापुर, पुणे स्पेशल बांद्रा टर्मिनस, बरौनी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल समेत कई ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और कई ट्रेनों के परिचालन का विस्तार भी कर दिया गया है। आगामी त्यौहार को लेकर बिहार में हुई अहम बैठक। बिहार में कोविड-19 का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन आ रहे मामलों ने सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच आने वाले त्यौहार को ध्यान में रखते हुए बीते दिन अहम बैठक का आयोजन करवाया गया था। पटना में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधिकारी उपेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सार्वजनिक स्थलों पर रामनवमी, छठ महापर्व, रमजान के दौरान होने वाली जुम्मा की नमाज का आयोजन नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही अपने अपने घरों में ही पूजा आयोजित करने को कहा गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका सके। सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक है। बिहार के पर्यटन स्थलों पर निजी एजेंसियों को मिलेगी जगह। बिहार के पर्यटन स्थलों पर अब निजी एजेंसियों को जगह दी जाएगी। इससे पर्यटकों के लिए होटल एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। इसको लेकर विभाग ने जिलों में ऐसे पर्यटन स्थलों का ब्यौरा मांगा है जहां अभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं कम है। जानकारों की माने तो विभाग ने सभी पर्यटकीय स्थलों को पर्यटकों के भ्रमण, भोजन और ठहरने के लिए और साइन बोर्ड समेत हर सुविधाओं को ध्यान में देखकर डीपीआर बना दिया है, जिस पर काम पूरा होने के बाद पर्यटकों को सुविधा होगी। इसके लिए ही विभाग निजी परिवहन सेवा का सहयोग लेगी, जिसमें पर्यटकों के आवागमन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने परिवहन सेवा में पर्यटक संबंधित किताबों को रखा जाएगा ताकि लोग राज्य के सभी पर्यटक स्थलों की जानकारी बस के सफर में ले सके। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बनाई जाएगी 10 वर्ष की कार्ययोजना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। खबरों की माने तो वीटीआर में बाघों की सुरक्षा एवं इसके बाहर के इलाके यानी कि फ्रिंज एरिया में लोगों के रहन सहन एवं उनकी वनों पर निर्भरता एवं रोजगार सृजन को लेकर 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जानी है। जानकारों की माने तो इसको लेकर 22 अप्रैल को पटना में वाल्मीकि टाइगर फाउंडेशन के शासी निकाय की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक की अध्यक्षता सूबे के वन एवं पर्यावरण मंत्री करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्र निदेशक एचके राय ने बताया है कि इस बैठक में इस वर्षीय कार्ययोजना चर्चा करने के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। जानकारों का मानना है कि बाघों की सुरक्षा एवं उनके बेहतर सेहत के लिए बाहरी हस्तक्षेप कम से कम होना जरूरी है। जल्द ही IGIMS में मिलेगी 50 बेड के डेडिकेटेड ICU की सुविधा। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यही कारण है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने अब अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत ही पटना के IGIMS में 15 अप्रैल से 50 बेड का डेडिकेटेड ICU काम करने लगेगा। सिर्फ इमरजेंसी मरीज को ही यहां भर्ती किया जाएगा। संस्थान के अधीक्षक मनीष मंडल ने यह जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा है कि ICU में भर्ती होने वाले मरीज को PMCH, NMCH और पटना एम्स में जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए IGIMS में 50 बेड की व्यवस्था हो रही है। हालांकि इस व्यवस्था को IGIMS में शुरू करने के लिए नोडल पदाधिकारी भी तैनात की गई है। ममता बनर्जी पर लगाए गए प्रतिबंध के नाम पर बिहार में सियासत हुई शुरू। बंगाल में विधानसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं, वहीं इसी बीच ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसकी आंच बिहार तक आ गई है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर आयोग का नया नाम भाजपा आयोग कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चुनाव आयोग के फैसले को सही करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी चुनाव में एक धर्म विशेष को लेकर बयानबाजी कर रही थी, जो कि पूरी तरह से गलत था। कोरोना काल में बिहार सरकार को तेजस्वी यादव ने बताया निकम्मा। कोरोना का असर बिहार में एक बार फिर से बेकाबू हो गया है, जिसके बाद अब विपक्ष की बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना के बढ़ रहे ग्राफ को सरकार की विफलता करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार ऐसी निकम्मी नकारा सरकार से अभिशप्त है कि जिसे अपनी जिम्मेदारियों का बोध ही नहीं है।
कोरोना काल के शुरुआती दौर में ही मैंने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नए अस्पताल बनाने का सुझाव दिया। मैंने कहा था कोरोना की लड़ाई मैराथन है, पुख्ता तैयारी करनी होगी। बिहार में एक साल पहले भी मरीज अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, टेस्ट और इलाज के लिए दर बदर धक्के खा रहे थे और आज भी स्थिति यथावत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से हमारी जाती है। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ। 1658 में धर्ममत की लड़ाई में औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को हराया। 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना आज के दिन हुई। 1976 में भारत ने 15 साल के बाद बीजिंग में अपना दूत भेजने की घोषणा की। 1980 में 6 गैर सरकारी बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए। इससे पहले भी कुछ बैंक इसी तरह राष्ट्रीयकृत हुए थे। 1994 में भारत ने 124 अन्य देशों के साथ जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ GATT पर हस्ताक्षर किया। 2010 में भारत में निर्मित पहले क्रायोजेनिक रोबोट GSLV-D3 का प्रक्षेपण नाकाम हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,850 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,850 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। वहीं पेट्रोल की बात करें तो राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.93 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 86.52 रुपए प्रति लीटर थी। UIDAI ने बताया आधार कार्ड को सेफ रखने का आसान तरीका। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड धारक को ऐसी सहूलियत दे रही है जिससे वो अपने आधार नंबर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके आधार नंबर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी और पुख्ता हो जाती है। सबसे पहले UIDAI.gov.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार सर्विसेज के तहत आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस पर क्लिक करें। अब लॉक UID पर क्लिक करें जहां आप अपने डिटेल्स भरें। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल पर आया वन टाइम पासवर्ड डालेंगे आपको आधार नंबर लॉक हो जाएगा और ऐसा ही प्रोसेस अपना कर आप आधार नंबर को अनलॉक कर सकते हैं। माधुरी और नौरा ने एक दूसरे के गाने पर किया डांस। माधुरी दीक्षित की डांस दीवाने 3वें कंटेस्टेंट के साथ साथ कई बार डांस की झलकियां भी देखने को मिलती है। इस हफ्ते शो में एक और बेहतरीन डांसर नौरा फतेही पहुंचेंगी। नौरा जजों के साथ बैठकर कंटेस्टेंट को जज करेंगी। शो के प्रसारित होने से पहले शूटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। इसी को लेकर एक वीडियो माधुरी दीक्षित ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है जिसमें वो अपनी फिल्म के गाने मेरा पिया घर आया पर डांस करती नजर आ रही है। उनके साथ नौरा फतेही उनका बखूबी साथ दे रही है। माधुरी ने कैप्शन में लिखा है मेरा पिया घर आया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इरशाद अहमद, विकास महत्व, अजीमा फिरदौस, अंकिता शर्मा, असलम राज, शबनम कुमारी, सोनू यादव, सलोनी सिंह, साहिल राज, बलिंदर कुमार, रवीश कुमार, सोनू कुमार, नीतीश कुमार, सुनीता देवी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण CBSE की तरफ से 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।